तो पैरा एशियाई खेलों में भारत ने रचा है इतिहास और भारत के पदकों की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। भारत ने अब तक 111 मेडल जो है जीत चुके हैं, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। पदक तालिका में भारत देखिए अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। लगातार शानदार प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का, और ऐसे में देखिए पैरा एशियाई खेल में किस तरह से खिलाड़ी अपना जौहर दिखा रहे हैं। इतिहास यहां पर रचा है भारत ने। पदकों की संख्या देखिए 100 के पार पहुंच गई है और अब तक 111 मेडल आ चुके हैं भारत की झोली में। तो पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत की शीतल देवी ने तीरंदाजी में 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। शीतल एक ही सत्र में 2 गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं है और वो पांव से धनुष बाण चलाती है। शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में एक ही सत्र में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और इससे पहले उन्होंने कंपाउंड मिश्रित वर्ग में स्वर्ण और महिला युगल में रजत जीता था। किश्तवाड़ के दूरस्थ इलाके में सैन्य शिविर में पाई गई शीतल को भारतीय सेना ने बचपन में गोद ले लिया था। और आज देखिए शीतल देवी किस तरह से इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक 2 गोल्ड उन्होंने भारत की झोली में दिया है। 2 गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है शीतल देवी। तो देखिए किस तरह से शीतल देवी ने इतिहास रचा है और ऐसे में 2023 पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। 2 गोल्ड मेडल निशानेबाजी में उन्होंने जीता और देखिए श्रेणी में एक श्रेणी में भारत की जो पहली महिला खिलाड़ी वो बन गई है। ये देखिए अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं किस तरह से 16 साल की उम्र में अपने नाम उन्होंने ये बड़े रिकॉर्ड जो है अपने नाम किए हैं शीतल देवी। ये हम आपको देखिए तस्वीरों के जरिए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे उन्होंने जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एक बड़ा रिकॉर्ड जो है अच्छे अच्छे जो है अपने नाम नहीं कर पाते, लेकिन शीतल देवी ने सारी अड़चनों को दूर करते हुए ये रिकॉर्ड जो जीता है और भारत की झोली में 2 गोल्ड मेडल लाए हैं। Z News।